अस्सलामुअलैकुम, हदफ टीवी से मैं हूँ जुनेद खान। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी की मंगेतर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बिला ताखिर सज़ा देने का मुतालबा किया है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक खदीजा चंगेज़ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इससे ना सिर्फ हमें वो इंसाफ मिलेगा जिसके हम मुंतज़िर हैं, बल्कि इससे बार बार होने वाली ऐसी ही दूसरी कार्रवाइयों को भी रोका जा सकता है। जमाल खाशगी की मंगेतर का यह बयान अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी निजाद अमरीकी सहाफ़ी जमाल खाशगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। सऊदी अरब ने अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को वाजिया तौर पर मुस्तरद करते हुए उसे तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी निजाद अमरीकी सहाफ़ी और अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदा जमाल खाशकी को सन 2018 में इस्तंबुल के सऊदी सफारतखाने में बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। वलीहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब के सफारतखाने की इमारत के अंदर सऊदी अहलकारों के हाथों होने वाले इस कत्ल में मुलविस होने के तमाम इल्ज़ाम से इनकार करते आए। सऊदी हकाम ने सऊदी सहाफ़ी के कत्ल के वाक़े को सरकश ऑपरेशन करार दिया और सऊदी अरब की एक अदालत ने इस कत्ल के जुर्म में 5 अहलकारों को मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल सितंबर में उनकी सज़ा में कमी करके उसको 20 साल कैद में बदल गया। हदफ टीवी से अब तक के लिए इतना ही। जुनेद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की मान।